गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 5 अक्टूबर है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है राग द्वेष से बचने की व्यवस्था। सूरत में प्रश्नोत्तर जो हुए थे तो एक प्रश्न का उत्तर महाराष्ट्र दे रहे हैं। प्रश्न किया गया था कल के पृष्ठ में, राग द्वेष की वृद्धि कैसे होती है और इनकी आत्यंतिक निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए महर्षि ने इस विषय पर बड़े विस्तार में इसका प्रश्न का उत्तर दिया था और यहाँ यद्यपि संक्षेप में लिया गया है फिर भी 2 पृष्ठों में। तो कल मनोविज्ञान राग द्वेष की निवृत्ति का हम लोगों ने पढ़ा और उसमें परिभाषा भी बुढ़िया बाबा जी महाराज ने जो दी वो राग की और द्वेष की परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो महर्षि ने बताई वो जो पूछ रहा था प्रश्नकर्ता कि इनकी यानी राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति अर्थात अब वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में न रहे तो वो किस प्रकार हो सकती है। तो ये जो प्रश्न है आत्यंतिक निवृत्ति वाला वो तो बहुत ऊंची साधना में है इसलिए महर्षि को कहना पड़ा सूरत के जो श्रोता थे उनको देख के कि राग द्वेष की पहले थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होने दो। कल ये बात बताई दी, बाद में आत्यंतिक अर्थात हमेशा के लिए निवृत्ति करना। अरे भाई अभी तो तुम्हारे राग द्वेष इतने दृढ़ हैं है ना, और तुम आत्यंतिक हो सकता है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु वो अच्छा उच्च कोटि का साधक रहा हो, पर चूँकि प्रश्न का उत्तर सुनने वाले तो बहुत से लोग हैं तो सीधे आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय बताना वो बात सबके काम की नहीं है। इसलिए कल तो ये बताया कि इनकी वृद्धि कैसे होती है। तो वृद्धि में कारण बताया कि जब कोई चीज़ जो कि हमको सुख दे रही है और हमको स्वाभाविक उससे राग हो जाता है, उसमें तो कोई ज़्यादा बताने की बात नहीं है, परंतु वो जब कोई उसमें बाधक आता है तो उससे फिर द्वेष हो जाता है। तो इस प्रकार से बताकर राग की वंशावली और द्वेष की वंशावली दोनों कल के पृष्ठ की एक बार थोड़ी सी हम दोहरा लें अपने मन में, क्योंकि ये किसी और में नहीं देखने हैं, हमको अपने में देखने हैं। तो महर्षि ने कल वंशावली में बताया, द्वेष की वंशावली में तो वंशावली का नाम लिया पर राग की वंशावली और विचित्र है। कहते हैं कि जिससे राग होता है उसके प्रति पक्षपात हुए बिना नहीं रहता, एक बात। अच्छा, अब वो जिससे हमारा राग है वो समझ लो कि वो तो कोई साधन भजन करने वाला है नहीं, और है भी तो भी उसके जीवन में चोरी भी है बेईमानी भी है ना, तो हम क्या करेंगे कि उसकी चोरी बेईमानी का समर्थन करने लगेंगे और कारण बतावेंगे कि इस वजह से इसने ऐसा किया है। कई बार मैंने सुनाया महर्षि की सेवा में रहने वाले एक सन्यासी साधक ने कहा, यानी महर्षि ने उनको जब बताया कि तुम्हारा ये जो दोष है इसको तुम सुनो, तो महर्षि करुणा करके प्राय बताते नहीं थे कभी किसी को, पर इतने वर्षों से वो सेवा में रह रहा है तो बताना चाहा यानी बताना शुरू किया, उसके पहले ही महर्षि की बात को काट के और कहने लगा कि उसमें आप जो बता रहे हैं ऐसी बात नहीं थी,
बात कुछ और थी, और वो जब बात बताना चाह रहा था कौन शिष्य, तब तो महाराज जी को कहना पड़ा हमको तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है, हम तुमको तुम्हारा जो दोष बता रहे हैं वो सुनो। तो ये एक और विचित्र बात है। तो यहाँ पर तो सामान्य बात महाराज जी कह रहे हैं कि उसका समर्थन करने लगते हैं और उसके लिए हम कारण देते हैं कि इस वजह से इसने ऐसा किया है, यानी आप जो समझ रहे हो वो गलत है। अच्छा चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, क्योंकि वही बेईमानी और चोरी कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं। पर इसके बाद ये वंशावली और आगे बढ़ रही है, राग की वंशावली है ये। इसके बाद उसको सुख पहुँचाने के लिए, उसको सुख पहुँचाने के लिए मतलब कि अब अगर हम इसको दृष्टांत ऐसे ले सकते हैं कि उसके लिए हमको कोर्ट में गवाही देनी है, तो कोर्ट में जो गवाही देनी है उसमें हमको झूठ बोलना है, तो उसको सुख पहुंचाने के लिए हम स्वयं बेईमानी करने लगते हैं, हिंसा भी करने लगते हैं, झूठ भी बोलने लगते हैं। ये राग की वंशावली जो कि बहुत बहुत ध्यान देने लायक है। द्वेष की वंशावली जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो तो जलन है। तो जब जलन है तो उससे महर्षि ने बताया कि क्रोध हिंसा एवं विद्रोह के रूप में परिणत हो जाता है। पहले क्या हुआ, क्रोध, फिर उसको रोकने वाला, सुख को रोकने वाली जो चीज़ है, क्या क्रोध हमारे भीतर से जो सुख निकलता है उसको रोकने वाली चीज़ है क्रोध की परिभाषा। फिर ये क्रोध हिंसा एवं विद्रोह के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए ये राग और द्वेष ये दोनों हमको बहुत नीचे गिराने वाली चीज़ है। तो द्वेष की वंशावली भी नीचे महर्षि ने बता दी। अच्छा अब आज बताएंगे, क्योंकि अंतिम वाक्य था कल, इसलिए इनसे बचने की व्यवस्था जीवन में कर लेनी चाहिए। तो आइए क्या करना है उसको अब बता रहे हैं। राग द्वेष से बचने की व्यवस्था परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, राग द्वेष से बचने की व्यवस्था जीवन में कर लेनी चाहिए। उसी वाक्य को फिर से मैंने दोहराया है क्योंकि नया पृष्ठ है। यह व्यवस्था क्या है, वह यह है कि हम इन इन चीज़ों से परहेज रखेंगे और इन इन चीज़ों का अपने जीवन में सेवन करेंगे। डूज एंड डोंट्स अंग्रेजी में कहते हैं, ये करना है ये नहीं करना है, ये विहित है ये निषिद्ध है। तो अब जीवन में क्या विहित है और क्या निषिद्ध है, उसके चार विभाग कर लें, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म, शरीर से क्रिया। तो मनसा वाचा कर्मणा पे ये तीन हो गए, और चौथा जो है वो है खाने पीने को लेकर। चार बातें मुख्य हैं, उन चारों को महर्षि गिनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं इसी को व्यवस्था कहते हैं, किसको, कि इन चीज़ों से परहेज रखेंगे और इन चीज़ों को अपने जीवन में लावेंगे, सेवन करेंगे, मतलब इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले खाने पीने को लेके कह रहे हैं, जीवन में एक व्यवस्था रहनी चाहिए कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। महर्षि की सेवा में जो शिष्य थे उनका नियम था 24 घंटे में एक बार अन्न, बस उसके आगे पीछे नहीं। इसका बाद इसका मतलब ये नहीं कि बाकी समय मुंह चलाते रहते थे और कोई फलाहारी चीज़ वगैरह, नहीं। फिर नियम क्या था, शाम को जो भी लेना है फलाहार ले लिया, और सुबह बाल भोग में जो भी लेना है ना, अन्न 24 घंटे में एक ही बार। अच्छा उसमें भी क्या, अन्न में भी तो भक्ष और अभक्ष का विचार है वर्णाश्रम धर्म में, तो अभक्ष जो है उसका तो प्रश्न ही नहीं है, और भक्ष में भी जो चीज़ें हमको नुकसान करती हैं, स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं, है ना, उनको पहले से ही परहेज कर लें। अच्छा दूसरा
यह करेंगे यह नहीं करेंगे। तो ये जो दूसरा पॉइंट है उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए नियम होना चाहिए। आनंद रत्नाकर में एक पृष्ठ हमने लिया है, सती द्रौपदी महर्षि का ग्रंथ है, सती द्रौपदी पर महर्षि ने लिखवाया था पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में, जब कल्याण में थे गीता प्रेस में, तो वो पुस्तक अलग से गीता प्रेस वालों ने छापी है और वो उपलब्ध है। तो दक्षिण में हम थे तो हमारे हाथ आई तो हमने पूरी पढ़ी। उसमें हमने देखा जगह जगह पर नियम को लेकर बहुत गजब का महर्षि ने लिखवाया था। तो वो पॉइंट्स हमने सब एक जगह कर लिए। उस समय ये पता नहीं था पुस्तक छपेगी, पर वो जो हम भेजते थे बड़ौदा में एक पृष्ठ, तो वो सती द्रौपदी वाली पुस्तक में से नियम पर कितना व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए, तो ये करेंगे ये नहीं करेंगे। मैं प्राय कहता हूँ स्वामी रमणानंद जी के महाराज के नियम बहुत गजब के है ना, बिना मतलब हमको जो परिग्रह है वो करना ही नहीं, वो तो परिव्राजक हैं पूरी यात्रा में है ना, बस वो दो थैले उनके हैं और वो भी खुद उठा सकें उतना ही सामान, तो जहाँ भी जाएंगे महात्मा हैं है ना, वस्तुएँ आवेंगी तो वस्तुएँ आवेंगी तो चलो भाई इसको दे दी इसको दे, जो भी है ना ज़रूरतमंद है उसको दे दिया, तो ये चीज़ें तो दे देते हैं पर महात्मा लोग पैसा इकट्ठा करते रहते, वो भी नहीं, पैसा भी इकट्ठा नहीं करना, जितना आवश्यक है उतना रख लिया और बाकी नहीं करना है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो ये तो महात्माओं की बात मैंने कह दी, वैसे ही सामान्य लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये मोबाइल में इतना समय हम देंगे इतना नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने नियम बना रखा है ना, एक घंटे में जो भी है बाहर का कॉल अटेंड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, यह लेंगे यह नहीं लेंगे है ना, तो करेंगे नहीं करेंगे में ये लेना देना भी हो गया है ना। मनसा वाचा कर्मणा, मन का अंत में बताएंगे, मन में भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हम इस ढंग से सोचेंगे इस ढंग से नहीं सोचेंगे। क्या अर्थ हुआ, यानी जो नास्तिक बहुत सारी दुनिया भर का है ना, जो बहुत साधन भजन करने वाले हैं वो लोग नहीं, अखबार नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, तो वो जो है सोचने का ढंग भी उसी प्रकार बनेगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हमारे दिमाग में जाती है ना, उसी के अनुसार फिर दिमाग सोचता है। तो अब जब सुबह से रात तक 24 घंटे में उसकी दिनचर्या में, अभी राम जी बता रहे थे दो दिन पहले कि कैसे 8 घंटा ये, 4 घंटा ये, 2 घंटा ये है ना, तो पूरा का पूरा 24 घंटे की दिनचर्या बताई, 8 घंटा जप करना है ना। तो मन में भी व्यवस्था रखनी चाहिए कि हम इस ढंग से सोचेंगे इस ढंग से नहीं सोचेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन ही बाद में इंद्रियों को और हमारे को शरीर को वो प्रेरणा देता है कि ये करो ये मत करो। तो मन को शुद्ध रखने के लिए ये आखिरी पॉइंट है, पर इसके पहले देखिए ये नहीं लेंगे है ना, और ये लेंगे यानी शारीरिक क्रिया में, और ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, ये हो गया वाणी से। वाणी के 5 दोष महर्षि ने बताए हैं, 4 दोष बताए हैं, तो वो जो है कठोर बोलना, असत्य बोलना, असंबंध प्रलाप है ना, और झूठ बोलना, तो ये सब दोष हैं वाणी के। असत्य बोलना एक हो गया है ना, तो उसको एक बार ध्यान में ले लेना चाहिए। कठोर बोलना, असंबंध प्रलाप, कोई है नहीं विषय और उसके अंदर अपना बोलने लग गए है ना, और चुगली, चुगली करना, असत्य बोलना और चुगली करना, कठोर बोलना और असंबद्ध प्रलाप, तो ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ें सब आई हुई है इसी पुस्तक में, उनको अब अपने जीवन में उतारना है। राग द्वेष से बचने की व्यवस्था में खाली पृष्ठ पढ़ के रखना नहीं है,
अब वो जो चीज़ें हैं, पहले तो वो चीज़ें याद रहें, है ना, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वाणी के चार दोष क्या हैं, फिर उसके बाद जैसे ही हम कठोर बोलने जा रहे हैं, है ना, किसी को कष्ट पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंसा मानी गई है। हिंसा का अर्थ किसी को पीट देना वो तो है ही है, रूढ़ अर्थ है हिंसा का, पर हमने वाणी से भी किसी को चोट पहुंचाई वो भी हिंसा है। इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, सामने वाला उसके हृदय में परमात्मा है, ये तो दो नंबर बात है, वो स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। परमात्मा ने किया क्या, अपना स्वरूप जो है वो तो वेदांतियों के लिए छोड़ दिया, है ना, कि वो अपना विचार करेंगे वेद परमात्मा का स्वरूप क्या है, और अभी हमारे फणिराज जी सुना रहे हैं, तो हिज क्रिएशन, तो उसका जो सृष्टि है वो उसी का रूप है, स्वरूप उसका वो अनुसंधान का विषय है वेदांतियों के लिए, है ना, अथवा जो भक्त लोग हैं उनको ठाकुर जी कृपा करके उनको बताते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, तो वो बात अलग है, परंतु स्वरूप वाली कक्षा वो तो PhD की है। जो राग द्वेष से बचने की व्यवस्था में हमारे काम क्या आवेगी, ये जो वैदिक सिद्धांत है वो काम आवेगा, क्योंकि ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे और ये रट लेंगे हम, उससे काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हमको समझ में आवेगा कि अरे रे रे, हम जो बोले हमने साक्षात परमात्मा को उसकी हिंसा की। तो आप कहेंगे स्वामी जी व्यवहार में ये सब नहीं होता है, व्यवहार में तो जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, परमार्थ की जो आप बात करते हैं, है ना, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ नहीं है। हमारे जैसे साधन भजन करने वालों के लिए, अरे यानी ये चीज़ में रखने गया और आवाज़ हो गई किसी और के द्वारा, यानी जो कि साधक नहीं है, महाराज की सेवा में नहीं है, उसको महाराज कुछ नहीं कहते थे, पर मैंने इस प्रकार से रखा, महाराज कहते थे उसको चोट लगी। यानी जिसको हम जड़ वस्तु कह रहे हैं वो महात्मा के लिए चेतन है, और वो ये बात क्यों बताते हैं कि तुमको वो ज्ञान प्राप्त करना है जो हमारा अनुभव है, उसको तुम प्राप्त करना है तो कितना तुमको सावधान रहना पड़ेगा, तुम तो वस्तु को ऐसे ही फेंक देते हो। तो जड़ वस्तु के लिए जो महापुरुष इतना सावधान है और सावधान कर रहा है अपने शिष्यों को, अब वो शिष्य समझे कि नहीं समझे वो बात दूसरी है, है ना, वो समझना चाहे तब तो समझेगा। तो जो चेतन वस्तु है ना, उसमें तो कितना अधिक सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए ये बोलेंगे ये नहीं बोलेंगे, पृष्ठ तो हम लोग पढ़ लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना, 5 मिनट में या 3 मिनट में हो जाएगा, पर यहाँ ये सब बातें ध्यान में लानी है। हम चुगली करने जा रहे हैं किसी की, क्या आवश्यकता, साधन भजन करने वाला है उसको इसकी आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं। सत्संग में हमको एक परिभाषा महापुरुष ने दी, हमने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, बोले ये जो सत है, ये जो ठाकुर जी है, परमात्मा है, संत हैं, ये जो सतशास्त्र हैं, उसको छोड़ के जितना है वो सब असत है। तो हम देखें अपने जीवन में तो ये तो बहुत उच्च कोटि के साधक ऐसा कर रहे हैं, बाकी तो असत का ही संग हो रहा है। तो असत का जब संग हो रहा है तो उसी के संस्कार पड़ेंगे, जब उसी के संस्कार पड़ेंगे तो राग द्वेष होंगे। तो राग द्वेष से बचने की व्यवस्था हम पढ़ तो लेंगे, पर उनको जीवन में उतारने के लिए उस वैदिक सिद्धांत पे ध्यान देना है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। स्वरूप रूप से परमात्मा सच्चिदानंद वो तो दृष्टि का विषय नहीं है, परंतु ये जो दृष्टि का विषय है वो भी परमात्मा ही है।
अब व्यवहार में हम देख ले रहे कि व्यवहार में हमको अपने को बचाना है। व्यवहार में परम पूज्य महाराज श्री को उड़िया बाबा जी का ये श्लोक जो बाबा बोलते थे, महाराज श्री ने कई बार उद्धृत किया, रक्षत रक्षत कोशा नाम अपि हृदयम कोशम यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। रक्षा करो रक्षा करो, रक्षत रक्षत किसको कह रहे हैं, इधर साधना कर रहे हैं, किसकी रक्षा करें महाराज, अपने हृदय की। क्यों, कोशा नाम अपि कोशम, खजानों का भी बड़े बड़े खजाने हैं, बड़े बड़े है ना संपत्तियां हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि मूल्यवान ये हमारा हृदय है। कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, यस्मिन सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। अगर ये सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। हमारा हृदय जो है उसको हमको देखना है, तो इसलिए ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ये जो वैदिक सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, उससे हमको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। नहीं तो जो व्यवहार में जैसा हम करते आए हैं, हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है, और स्वभाव पड़ा हुआ है तो वही बातें वही गलतियां वापस वापस दोहरा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो चार लेवल पे मन वाणी और शरीर, और इसके अतिरिक्त खाने को लेके विशेष रूप से, क्योंकि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, छांदोग्य उपनिषद में आया है आहार शुद्धि। तो आहार शुद्धि यानी यहाँ तो खाने को लेकर ही कह रहे हैं, पर वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि आहार से अपनी सब इंद्रियों का आहार, सिर्फ खाने को लेकर नहीं, हम देख क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम सूंघ क्या रहे हैं, हम छू क्या रहे हैं, इन सब की शुद्धि, उससे क्या होगा, तब जाके अंतःकरण शुद्ध होगा। और वो जो अंतःकरण शुद्ध है वहाँ पर ठाकुर जी विराजते हैं। ठाकुर जी को हम बुला तो रहे हैं, परमेश्वरानंद जी क्या कह गए, भाई उनको बैठाओगे कहाँ, आप बुला तो रहे हो पर जब वो आ जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, सब जगह तो कूड़ा है। यानी हम अपने हृदय में झांक के देखें तो ये यही तो है, राग द्वेष रूपी कूड़ा ही तो है, कूड़े पे थोड़ी बैठेंगे ठाकुर जी, इसलिए चित्त शुद्धि। तो ये व्यवस्था बता दी महाराज जी ने। अब शेष पृष्ठ में क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने जीवन की सर्वोत्तम शैली का वर्णन किया है, यानी स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो गीता के दूसरे अध्याय में 64 और 65, यानी इसके पूर्व के जो दो श्लोक हैं 62-63, उसमें तो बताया कि पतन कैसे होता है, और 64-65 में बताया कि सर्वोत्तम शैली जीवन की क्या है। तो पतन तो वो बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संगात समझायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। टक 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 टक, यानी गेंद ऊपर से पहली मंजिल से गिरी सीढ़ी पर और झट से नीचे आ गई, ऐसे ये पतन का गिना दिया। अब 64 और 65 में क्या बता रहे हैं कि राग द्वेष युक्तेस्तु, वहीं से उठाया हमारा श्लोक, क्योंकि राग द्वेष का प्रश्न पूछा गया ना, आत्यंतिक निवृत्ति तो अंतिम पैराग्राफ में बता देंगे है ना, पर उसके पहले ये जो थोड़ी थोड़ी निवृत्ति वो तो आवे पहले, तो इसलिए बता रहे हैं कि सर्वोत्तम शैली जीवन की राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश चरण। अगर राग द्वेष नहीं है हृदय में, हृदय शुद्ध है, अब वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी क्रिया कर रहा है ना, विषयान इंद्रियेश चरण,
आत्मबशीर विधि आत्मा प्रसाद मदिगच्छति। उसका जीवन की शैली सर्वोत्तम क्या है कि जैसे ही राग द्वेष हट गए वैसे ही अब उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। प्रसाद उसके अभी आगे बताएंगे महर्षि, प्रसाद यानी जो आनंद है उसके जीवन में बना रहता है। और अगले श्लोक में प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो ये जो दो श्लोक हैं इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, महर्षि स्वयं संक्षेप में अभी बताने जा रहे हैं, जिसका अभिप्राय है कि आप व्यवहार सब करें। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये जो सत्संग हम करने जाएंगे तो हमारा व्यवहार छूट जाएगा, व्यवहार हमारा कट जाएगा, हम भी बाबा जी हमको बनना पड़ेगा। वहाँ गीता में जीवन की सर्वोत्तम शैली में भगवान ने यही समझाया कि आप व्यवहार सब करें, पत्नी से पत्नी की तरह, पति से पति की तरह, पुत्र से पुत्र की तरह और माता से माता की तरह। इस प्रकार व्यवहार सबसे हो, परंतु राग द्वेष अपने चित्त में किसी का न हो। यानी महर्षि ने 64 और 65 दो श्लोकों की व्याख्या में व्यक्ति पता नहीं कितना है ना, आधा घंटा एक घंटा बोल देता, कोई ज़रूरी नहीं है, बस दो ही पंक्ति में पूरा का पूरा ले आए। पूरा व्यवहार हमारा चल रहा है पर राग द्वेष चित्त में नहीं है। किसी का ना हो, किसी का ना हो तो इसलिए सबसे हमारे इंटीमेट जो रिलेशन है उनको गिनाया है ना। पति पत्नी का इंटीमेट रिलेशन होता है, पुत्र का, पुत्री का और माता का, तो वहाँ पर भी राग द्वेष होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन की प्रणाली तो यह है कि अपनी सारी इंद्रियाँ ही अपने वश में होनी चाहिए। जीवन के सर्वोत्तम शैली में वहाँ जो मूल श्लोक में बातें आई हैं तो इंद्रियों के बारे में भी भगवान ने संकेत कर दिया है, इसलिए उस पंक्ति को भी ले रहे हैं, भगवान की पंक्ति को छोड़ेंगे नहीं। क्या अपनी सारी इंद्रियाँ ही अपने वश में होनी चाहिए और मन होना चाहिए आज्ञाकारी। महाराज जी बहुत कठिन है, परंतु महर्षि अगले वाक्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। कुछ भी करके देख लो, राग करके देख लो है ना, द्वेष करके देख लो, कैसे भी करके देख लो, पर ये जो भगवान ने इन दो श्लोकों में बात कही तो वहाँ तो मन भी अपने वश में करना होगा, इंद्रियां भी अपने वश में करनी होगी। अब ये जो इतने कठिन साधना है, हमको तो लगता है उसका कोई परिणाम तो है नहीं, बहुत बड़ा परिणाम है। अपने क्या कह रहे हैं, अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है, यानी जो भी महापुरुष हैं उनकी इंद्रियां और मन वश में है। अब आप देखेंगे कि उनके पास कोई ऐसी सुविधा तो है नहीं जितनी सुख सुविधा हमारे पास है ना। वो तो कोपिन में रहते हैं और जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, अथवा चलो अब वो जमाना नहीं रहा पर ऐसी कुटिया में रहते हैं जो चू रही है ना, पानी चू रहा है, चूहे हैं सब दुनिया भर का, कुछ नहीं। वो जो है संत महात्मा जो इस प्रकार रह रहा है हमारी दृष्टि से तो बड़ा दुखी है ना, कोई किसी प्रकार की सुख सुविधा है ही नहीं उसको, नहीं। ये महर्षि इस वाक्य के द्वारा बता रहे हैं अपने आप को वश में रखने में जो प्रसन्नता होती है वह और किसी भी प्रकार से नहीं होती है। इसीलिए ये लोग तो हमेशा आनंद में मग्न रहते हैं, इसलिए यदि अपना मन प्रसन्न रहे तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है। ये एक और गजब की बात है, यानी दुनिया का तो दुख हमको स्पष्ट दिख रहा है,
परंतु ये जो इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है ये ध्यान देने लायक है। यदि अपना मन प्रसन्न रहे तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं। महाराज, जो सामने वाला रो रहा है, बैठ के आपके सामने बैठ के रो रहा है, आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारा मन प्रसन्न है तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि वो दुखी है? हाँ, दिख रहा है, परंतु वो अपने अज्ञान के कारण दुखी है। ठाकुर जी ने उसको दुखी नहीं बनाया है। परम पूज्य महाराज शिकार करते थे, ठाकुर जी के जो सच्चिदानंद आनंद में जो हाथ हैं उससे दुख की सृष्टि हुई ही नहीं है। ये तो हम लोग जान ही नहीं रहे कि क्या सच्चाई है और क्या है ना झूठा, क्या झूठी चीज है। और उसी झूठी चीज को सत्य मान के और अपना जीवन जी रहे। अब जिसने सच्चाई को जान लिया तभी तो मन प्रसन्न रहेगा। तो वो जो मन प्रसन्न वाला है वो जान रहा है कि दुनिया में जो भी दुख दिखाई दे रहा है ना, उसमें मूल में अज्ञान है लोगों का। और जब अज्ञान है तो वो दुखी होना ही होना है। अरे, दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो। अब हुआ क्या कि अब भाई अज्ञान है तो हमको जाना चाहिए अज्ञान मिटाने के लिए। अभी मत जाओ। क्यों? क्योंकि अभी इसमें निष्ठा प्राप्त करनी पड़ेगी। दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़, क्योंकि वो सृष्टि को चलाने वाले ठाकुर जी हैं। इसलिए महर्षि को ऐसा करना कहना पड़ रहा है कि दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो। इसका अर्थ ये नहीं है कि महात्मा लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। अरे, महात्मा तो अपना साधन भजन कर रहा है, उसके शरीर से जो परमाणु निकल रहे हैं उन परमाणुओं से इस पूरी दुनिया में आज जितनी जो कुछ शांति दिखाई दे रही है वो उनके साधन भजन का प्रभाव है। बाकी तो हमारे स्वामी ओंकारानंद जी कहा करते थे, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संतन होते जगत में जल मरतो संसार। आवश्यक नहीं कि संत जाके उपदेश करें लोगों को, है ना, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिए ये तो अपना साधन भजन करके ही परमाणु फैला रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं महर्षि, अरे दुनिया बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, लेकिन तुम अपने दिल को क्यों बिगाड़ते हो? तुम्हारे दिल में तो परमेश्वर बैठा है। आप एक बार उठकर सवेरे ईश्वर से हाथ मिलाइए और कहिए कि अरे, हम संसार के लोगों से क्या राग द्वेष करेंगे? हमारा संबंध तो साक्षात परमेश्वर से है। किसी के लिए अपने दिल को खराब करने की क्या जरूरत है? वो उड़िया बाबा जी महाराज का श्लोक। ईश्वर से कहिए कि हे प्रभु, आज दिन भर में हमारे मन में किसी के प्रति राग द्वेष न आवे। बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में महर्षि ने राग द्वेष से बचने की व्यवस्था बहुत ही संक्षेप में यहाँ ले लिया गया है। मुख्य पॉइंट महर्षि का वहाँ तो विस्तार में समझाया लोगों को। यह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि यह दोष अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और यह गुण हमेशा बना रहेगा। स्वामी अनुभवानंद जी बता के गए, अंतिम वाक्य था उनका, जीवन भर साधक रहना, कभी गुरु नहीं बनना है। जैसे ही गुरु बने वैसे ही हमारे कल्याण के सब रास्ते हमने बंद कर लिए। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि ये दोष अब हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और ये गुण हमेशा बना रहेगा। महर्षि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि भ्रांति हो जाती है, अब तो हम सिद्ध हो गए। राग द्वेष की संपूर्ण निवृत्ति के लिए आप राग को एक ऐसी जगह जोड़ दीजिए जो आपको आँख से देखने को नहीं मिलता है। वह कौन है? वह भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। अर्चा विग्रह हमको दिखेंगे, है ना, और भाव से हम उनको परमात्मा ही मानेंगे, तो उन्हीं को यहाँ, है ना, देखने को दर्शन दे दें ठाकुर जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे परमात्मा या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म, ब्रह्म तो दृष्टि का विषय बनता ही नहीं है, तो
इसलिए वो देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ करुणा करके वही ब्रह्म जो है दर्शन भी देता है। तो खैर हमको वहाँ जोड़ना है अपना प्रेम, उससे आप राग कीजिए, प्रेम कीजिए। बोले इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि आपका संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा। अब ये ठाकुर जी ये प्रक्रिया करेंगे। वो जेलस लवर है ठाकुर जी, जो हैं वो ऐसे प्रेमी हैं कि वो हमारा राग कहीं देखना ही नहीं चाहते। इसलिए अब वो प्रक्रिया ठाकुर जी करेंगे, आपका संसार में किसी से राग नहीं रह जाएगा, आपका राग भगवान से हो जाएगा। अच्छा राग की बात तो आपने बता दी, द्वेष की नहीं बताई, द्वेष की भी सुन लो। इसी तरह आपके मन में द्वेष भी हो तो शिशुपाल एवं कंस की तरह अपना द्वेष भी भगवान से ही जोड़िए, फिर संसार में किसी से आपका द्वेष नहीं होगा। ईश्वर के साथ आपकी जो भी मनोवृत्ति जुड़ेगी उससे आप संसार से मुक्त हो जाएंगे। ये यानी इसमें अपेक्षा है व्याख्या की, परंतु वो आत्यंतिक निवृत्ति के लिए है।